हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी लेकर आ चुका हूँ, जिसे आप लोग इजीली यूट्यूब से देख सकते हो। ये सारे मूवी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आकर आसानी से देख लेना। और हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सारी मूवी अनऑफिशियली डाली जाती है तो कभी भी डिलीट हो सकती है, तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर ये सारी मूवी को देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे एंटी विलियम। दो, ये एक कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें एक ब्लैक वोमेन को दिखाया गया है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। वो एक दिन पार्टी से लौट रही होती है, अब अचानक में एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। अब वो आदमी जितने भी ब्लैक लोग हैं उसे ढूंढ ढूंढ कर मार रहा होता है। अब विक्टोरिया का आँख खुलता है तो विक्टोरिया 18 के दौर में खुद को पाती है। तो आपको देखना यह होगा कि कैसे इस जमाने से उस जमाने में चली जाती है। बस यही चीज़ को जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिल चुकी है। Wherever you were before, that's over. That's over. You are my only way out of here. I must choose. लिस्ट की नंबर 9 पे इंडस गेम। ये एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल मिलिट्री को दिखाया गया है, जो कि कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं एलियन से लड़ने के लिए और हमारे अर्थ को बचाने के लिए। इसी में स्टोरी दिखाया गया है इंडस गेम की, जो कि और बच्चों से काफ़ी अलग होता है। इनके अंदर काफ़ी काबिलियत होती है जिसकी इंडस गेम को चुन लिया जाता है। और आगे की स्टोरी क्या है, क्या ये लोग एलियन से लड़ पाते हैं कि नहीं, बस यही चीज़ को जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिल चुकी है। मार्शल, यह एक कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें मार्क्स अपने टीम के साथ मंगल ग्रह पर एक मिशन करने जाता है। अब ऐसे में मार्क्स वहाँ फंस जाता है उस मंगल ग्रह पर। अब वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है वहाँ पर, वो खेती करता है, खाने पीने की चीज़, पानी ढूंढता है। अब वहाँ पर वो कैसे सर्वाइव कर पाता है, इसे जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 8.10 की रेटिंग मिल चुकी है। What's the abort force? 7,500. नंबर 7 पर है वर्ल्ड वार जेड। ये 2013 की बनने वाली कमाल की जोम्बीज मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें गैरी अपने परिवार के साथ कहीं दूसरे जगह पर जा रहा होता है। अब इसी बीच लोग एक वायरस के चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से सब जोम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। अब ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से गैरी को एक मिशन दिया जाता है कि वो इस वायरस का एंटीडोट निकाले और लोगों को ठीक करे। अब ऐसे में यह मिशन को एक्सेप्ट तो कर लेता है, पर किस तरह से यह एंटीडोट को ढूंढता है, बस इसी चीज़ को आप इस मूवी में देख सकते हो। अगर आपको जोम्बी वाली मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी को आप देख सकते हो। इस मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 7.10 की रेटिंग मिल चुकी है। Be prepared for anything. 6 पे फैंटास्टिक फोर। ये 2005 की बनने वाली कमाल की एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें 5 साइंटिस्ट को दिखाया गया है जो कि स्पेस में मिशन कर रहे होते हैं। वैसे में एक रेडिएशन के संपर्क में आने से वो सबका DNA बदल जाता है और वो सबके पास सुपर पावर आ जाती है। वैसे में मूवी में देखना यह होगा कि लोग सुपर पावर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और आगे की सारी मूवी की स्टोरी क्या है, इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिल चुकी है। आपको एक्शन एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख लेना। ब्लेड ऑफ द 47। यह मूवी 2013 की बनने वाली कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है। बात करें कहानी की तो इस मूवी में लॉर्ड कैसिनो को मार दिया जाता है लॉर्ड किराए के थ्रू। ऐसे में लॉर्ड किराए के पास एक ऐसी जादूगरनी होती है जिसके पास काफ़ी काला मैजिक होता है। लॉर्ड कैसिनो को किंग के मारने के बाद लॉर्ड कैसिनो के जितने भी प्रजा होती है उन लोगों के साथ काफ़ी मुश्किलें हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे प्रजा के ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि लॉर्ड कैसिनो की प्रिंसेस को बचाना। ऐसे में लोग कैसे प्रिंसेस को बचा पाते हैं लॉर्ड किरा से, इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिल चुकी है।
लिस्ट की नंबर 4 पर है विश ड्रैगन। यह 2021 की बनने वाली कमाल की एक्शन फैंटेस्टी मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें डी नाम के एक लड़के को दिखाया गया है जिसको एक बूढ़े व्यक्ति की तरफ से डिपोर्ट मिलता है जिसके अंदर काफ़ी दिनों से ड्रैगन मौजूद होता है। अब ऐसे में ड्रैगन आज़ाद हो जाता है जो कि डी को पूछता है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, पूछो तुम्हें क्या चाहिए। तो डी बचपन के फ्रेंड से मिलना चाहता है और आगे की स्टोरी क्या है, वो 3 विशेष क्या है, आप इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी के IMDb रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इसे IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिल चुकी है। यह एक कमाल की एनिमेटेड मूवी है तो आप इसे मिस मत करना, जरूर देखना। थ्री पर जॉन कार्टर। यह 2012 की बनने वाली कमाल की एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें जॉन कार्टर को एक सोने का गुफा मिल जाता है जिसके अंदर जाने से वो डायरेक्ट मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। मंगल ग्रह पर बहुत सारे एलियन उसे पकड़ लेते हैं। अब ऐसे में जॉन कार्टर को एहसास होता है कि उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर बदलाव हो चुका है, उसके DNA में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो काफ़ी ताकतवर और मजबूत हो गया। अब ऐसे में मूवी की आगे की स्टोरी क्या है इसे जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी के IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिल चुकी है। लिस्ट की नंबर 2 पर है जंगल क्रूज। ये 2021 की बनने वाली कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें डॉक्टर लीलू को दिखाया गया है जिसको पता चलता है कि अमेजन के जंगल में एक ऐसा ट्री है जिसके पत्तों में काफ़ी ताकत है। वैसे में डॉक्टर लीलू अपने फ्रेंड फैंग के साथ निकल पड़ता है उस अमेजन ट्री को ढूंढने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद डॉक्टर लीलू को काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें दिखाई देती। अब आगे की स्टोरी क्या है, मूवी में बहुत सारे सस्पिशन वाली चीज़ें दिखाई गई है तो आप इसे जानना चाहो तो आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को लोगों काफी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिल चुकी है। If you believe in legends, you should believe in curses too. You're gonna beg me to turn back. Well, I look forward to disappointing you. 10,000 to bring you there. की नंबर 1 पर है हेड ऑफ स्टोन। ये रिसेंट ही बनने वाली 2023 की मिस्ट्री मूवी है। बात करें कहानी की तो इसमें एक सीक्रेट स्पाई को दिखाया गया है जिसका नाम रेचर स्टोन होता है। वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जो कि बुरे रास्तों से गुजरकर अच्छे काम करती है। वैसे में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रेचर को पता चलता है कि एक हैकर क्रिया नाम की लड़की जो कि आलिया भट्ट है, वो एक बहुत बड़ी हैकर होती है जिसको तलाश रहती है एक एसिड की जिसकी मदद से वो जब चाहे जो चाहे कर सकती थी। अब ऐसे में रेचर उसको कैसे रोकती है, बस इसी चीज़ को जानने के लिए आप इस मूवी को देख लेना। इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.4 की रेटिंग मिल चुकी है। आपको ये सारे मूवी कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।